हेलो एंड वेलकम बैक टू कार डिलाइट। सो ये है ह्युंडई ग्रैंड एटेन का अपडेटेड 2018 स्पोर्ट्स मॉडल, जिसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स ऐड करे गए हैं। एंड आज इस वीडियो में मैं इसका करूंगा कंप्लीट डिटेल रिव्यू एंड आपको बताऊंगा गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। सब्सक्राइब कीजिए टीम कार डिलाइट चैनल को एंड ये बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट कार रिव्यूज़ एंड कंपैरिजंस आप सबसे पहले देख सके। साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ऑल्सो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ह्युंडई ग्रैंड एटेन ऑफर करी जाती है एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ड्यूअल टोन एंड एस्टा वेरिएंट में। अभी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट की फ्रंट लुक एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड टॉप सेलिंग वेरिएंट है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको दिए गए रैप अराउंड स्टैंडर्ड हेलोजन हेडलैम्प्स एंड साथ में इस मॉडल में आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं जो कि ठीक यहाँ पे प्लेस्ड है। क्रोम स्ट्रिप दी गई है छोटी सी जो कि काफ़ी स्टनिंग लुक दे रही है। एयर कर्टेंस अवेलेबल है जो कि गाड़ी को हाई स्पीड पे स्टेबल रखते हैं, साथ में माइलेज भी इंक्रीज करते हैं। फ्रंट में कैस्केड डिज़ाइन ग्रिल मिल जाती है एंड यहाँ पे दिए गए 14 इंचेस के टायर्स विद व्हील कवर्स। प्लस फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक्स मिलती है, रियर में ऑफर करी गई है ड्रम ब्रेक्स। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो फ्रंट में मैक प्योशन स्ट्रट, रियर में दिया गया कपल टॉर्जन बीम एक्सन यानी CTBA एंड जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी बढ़िया दिया गया। बम्प स्पॉट होल्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि आप टेस्ट ड्राइव लेके डेफिनेटली फील कर पाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्रैंड एटेन में हमें मिलती है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड साथ में ह्युंडई अपनी इस हैचबैक पे ऑफर करता है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी। प्लस हमें 3 ईयर्स की रोड साइड असिस्टेंस भी मिलती है एंड यहाँ पे आपको दिए गए ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल टर्न इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पे वेस्टलैंड मोडिंग यानी कि साइड बीटिंग मिलती है जो कि कार को प्रोटेक्ट करती है एंड गाड़ी की जो ओवरऑल लुक है उसको भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करती है। एंड दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ग्रैंड एटेन स्पोर्ट्स वेरिएंट की रियर लुक। यहाँ पे आपको सेंसर्स भी मिल जाते हैं अब इस मॉडल में एंड सेंसर्स के साथ साथ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा जो कि ठीक यहाँ पे प्लेस्ड है जो कि काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर है। साथ में आपको डुअल टोन रियर बम्पर मिलता है राउंड बिग रिफ्लेक्टर्स के साथ जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ पे हमें मिलते हैं रैप अराउंड टेल लाइट्स, ग्रैंड एटेन की बैजिंग दी गई है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है एंड यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी असेंशियल सेफ्टी फीचर है। यहाँ पे आपको मिलता है माइक्रो एंटीना एंड इस मॉडल में रूफ रेल्स भी अवेलेबल हैं। ब्लैक कलर की रूफ रेल्स मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक देती है एंड ये है स्पोर्टी बम्पर। प्लस यहाँ पे स्पोर्ट्स मॉडल की बैजिंग मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनिंग मिलेगी, बटन दिया गया उसको प्रेस करेंगे तो बूट इजीली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलती है रियर पार्सल ट्रे जो कि स्टोरेज स्पेस को और भी इंक्रीज कर देती है और काफ़ी हेल्पफुल रहती है एंड टोटल जो बूट स्पेस है दैट इज़ 256 लीटर्स। काफ़ी वेल शेप बूट दिया गया है। यहाँ पे आपको शॉपिंग हुक्स मिल जाएंगे बट लैंप इस मॉडल में अवेलेबल नहीं रहेगा कार्गो के लिए एंड इसको पुल करेंगे तो स्पेयर व्हील एंड टोल किट दी गई है। और दोस्तों अब बात करते हैं कलर ऑप्शन की। तो आप अगर ग्रैंड एटेन लेते हैं तो 6 कलर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट है फ्लेम ऑरेंज, सेकंड मेरीना ब्लू, थर्ड है पोलर वाइट कलर जो अभी आप देख रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव ये लुक देता है, फोर्थ है रेड पैशन, फिफ्थ स्लीक सिल्वर एंड सिक्स्थ आता है स्टारडस्ट कलर। तो ये तो बात थी कलर ऑप्शंस की, साथ में डुअल टोन कलर भी अवेलेबल है लेकिन वो आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स डुअल टोन में, जिसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर हो रखा है आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बिफोर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी फीचर्स हम देखते हैं कि ग्रैंड एटेन में कौन से इंजन ऑप्शन ऑफर करे गए हैं, क्या उसकी माइलेज रहेगी। तो फर्स्ट आता है 1.2 लीटर U2 CRDI 3 सिलेंडर डीजल इंजन, पावर है 74 bhp, टॉर्क मिलता है 190 Nm का, अवेलेबल है सिर्फ 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जिसकी माइलेज है 24.95 km/h। दूसरा आता है 1.2 लीटर कापर डुअल VTVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, पावर है 82 bhp, टॉर्क मिलता है 114 Nm का, साथ में ये अवेलेबल है 5-speed मैनुअल एंड 4-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जिसकी माइलेज रहेगी 18.9 km/h। और अगर बात करें इस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में हमें मिलती है सेंट्रल लॉकिंग, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा अलॉन्ग विद गाइडलाइंस, साथ में रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर डिफॉगर, ABS with EBD, dual front airbag, keyless entry with remote key एंड यहाँ पे हमें मिलता है इंजन immobilizer। तो गाड़ी लोडेड है सेफ्टी फीचर्स के साथ एंड अब चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं क्या क्या फीचर्स ऑफर करे गए हैं। तो आप देख रहे हैं अभी ड्राइवर साइड डोर जो हमें इंटीरियर्स मिलते हैं वो है ब्लैक एंड बेज 2-tone इंटीरियर्स। तो यहाँ पे डुअल टोन कलर में डैशबोर्ड दिया गया है, उसके साथ आपको मैचिंग कलर की अपहॉल्स्ट्री भी मिल जाती है। सो ये है फ्रंट 2 सीट्स की लुक नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ
एंड अपोस्ट्री में अभी आपको दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसी आपको अपोस्ट्री मिलती है टू टोन कलर में, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। एंड इसके साथ इसको क्लोज कर देते हैं। एंड ड्राइवर साइड सीट की हम हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते इस मॉडल में, प्लस यहाँ पे दिया गया फ्यूल लिड ओपनर, ऑल्सो बोनेट ओपन करने के लिए भी यहाँ पे लेवर दिया गया है। एंड ये मैनुअल गियर बॉक्स है, अगर आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लेते हैं तो वहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, उसका रिव्यू भी आप चैनल पे हमारे चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी हो रखा है। ये है ड्राइवर साइड डोर के लुक, डुअल टोन कलर में डोर मिलता है। इनसाइड डोर हैंडल हमें मिलेगा बहुत ही बढ़िया सिल्वर फिनिश में, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, मैप पॉकेट्स अवेलेबल हैं एंड स्पीकर्स भी आपको ऑल फोर डोर्स में मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडोज अवेलेबल है ड्राइवर साइड ऑटो डाउन के साथ, साथ में पावर डोर लॉक का बटन मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग भी अवेलेबल है एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल हमें मिलते हैं ORVMs। एंड इसके साथ आप देख सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड के लुक, काफ़ी प्रीमियम एंड अप मार्केट डैशबोर्ड बनाया गया है, तो कुछ ऐसी आपको कीज़ मिलती हैं, दो बटन्स है लॉक एंड अनलॉक, एंड ये आपको मिलती है एक स्टैंडर्ड की एंड एक मिलेगी आपको रिमोट की, जो बाकी कीज़ है दैट इज़ फॉर गियर लॉक, जो कि आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं या इवन आप डीलरशिप एंड से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड फीचर्स की बात करते हैं तो इस मॉडल में आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड एसी काफ़ी इफेक्टिव है, साथ में यहाँ पे हैंड ब्रेक के पास कुछ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, बॉटल होल्डर्स एंड ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं। ये है 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रिप के साथ दिया गया लेदर फिनिश में। एंड ये है गियर लॉक, जिसकी सेपरेट हमें कीज़ मिलती हैं, प्लस गियर बॉक्स के ठीक आगे मिलता है हमें मैसिव अमाउंट में स्टोरेज एरिया, प्लस यहाँ पे मिलता है हमें 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, ऑल्सो USB एंड ऑक्स पोर्ट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं दोनों ही पोर्ट्स एल्यूमिनेटेड दिए गए हैं। ओवरऑल जो कैबिन में हमें एल्यूमिनेशन मिलती है दैट इज़ ब्लू कलर, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। ये है मैनुअल AC विद हीटर, काफ़ी बिग राउंड नॉब्स दी गई है, जो कि ड्राइविंग के टाइम ईजिली हम ऑपरेट कर सकते हैं। एंड Hyundai ने अपनी ग्रैंड एटेन में जो अब इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है दैट इज़ टॉप क्लास, तो यहाँ पे मिलता है हमें 7 inches का टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो नेविगेशन के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे IPS डिस्प्ले मिलता है दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले, जो कि वाइड एंगल से हमें काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देता है, प्लस डायरेक्ट सनलाइट में अभी ये कार खड़ी है एंड आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ब्राइटनेस ये ऑफर कर रही है। बात करें फीचर्स की तो यहाँ पे हम वीडियोस को प्ले कर सकते हैं, इमेजेस को व्यू कर सकते हैं, ऑल्सो ये सपोर्ट करता है एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड मिरर लिंक को, यहाँ पे हमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का फीचर भी मिलेगा एंड ऑल्सो ये सपोर्ट करता है USB ऑक्स ब्लूटूथ एंड रेडियो कनेक्टिविटी को, और साथ में जो रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है उसका डिस्प्ले भी आपको इस स्क्रीन पे मिलेगा। सो लगाते हैं रिवर्स गियर, सो कुछ आपको ऐसा डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे काफ़ी वाइड व्यू दिया गया है, प्लस जो यहाँ पे गाइडलाइंस है वो भी पार्किंग काफ़ी इजी कर देंगी, सेंसर्स भी अवेलेबल है जो कि डिस्टेंस का अलर्ट देते हैं, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ये सिस्टम दिया गया है, पार्किंग काफ़ी इजी रहने वाली है। एंड यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिलता है हमें टिल्ट एडजस्टेबल, प्लस यहाँ पे कंट्रोल्स अवेलेबल है, ऑडियो कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल्स मिलते हैं फ़ोन को एक्सेप्ट करने के लिए एंड रिजेक्ट करने के लिए, साथ में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कंट्रोल भी अवेलेबल है। ऑल्सो यहाँ पे ट्रिप एंड रीसेट दिया गया दैट इज़ फॉर MID स्क्रीन, सो ये MID शो करता है डुअल ट्रिप मीटर, इंजन रनिंग टाइम, एवरेज स्पीड, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ब्लू एल्यूमिनेशन मिलती है, टॉप स्पीड है यहाँ पे 200 की एंड RPM मीटर यानी कि टेकोमीटर भी अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ऑल्सो यहाँ पे दिया गया लार्ज साइज ग्लव बॉक्स, प्लस हमें कूलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको मिलती है सेंटर में कैबिन लैम्प थियेटर डिमिंग फंक्शन के साथ एंड दिस इज माइक्रोफोन फॉर ब्लूटूथ कॉलिंग, एंड यहाँ पे आपको मिलता है सनशेड पे वैनिटी मिरर पैसेंजर साइड एंड जो ड्राइवर साइड सनशेड है वहाँ पे आपको मिलता है टिकट होल्डर, एंड यहाँ पे मिलता है हमें टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील कॉलम। सो अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट्स में, देखते हैं स्पोर्ट्स मॉडल में रियर में क्या क्या फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं, फिर बात करेंगे ऑन रोड प्राइस की। सो जो Hyundai की ग्रैंड आइटन है वो है बेसिकली एक हैचबैक सेगमेंट, जो कि मार्केट में कॉम्पीट करती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, टाटा टियागो, फोर्ड फिगो एंड होंडा ब्रायो के साथ, एंड साथ में ये है रियर डोर के लुक स्पोर्ट्स वेरिएंट की, काफ़ी लार्ज साइज विंडोज़ दी गई है, डुअल टोन कलर में यहाँ पे हमें डोर मिलता है, प्लस बॉटल होल्डर्स, मैप पॉकेट्स एंड ऑल फोर डोर्स में हमें स्पीकर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ग्रैंड एटन में जो डोर्स की ओपनिंग है वो भी काफ़ी वाइड है, प्लस जो सीट्स है वो भी रेज्ड है बिकॉज ग्रैंड एटन आती है एक टॉल वॉइस स्टांस में, तो हमें इन एंड आउट काफ़ी ज़्यादा ईजी रहने वाला है। ये है बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स, साथ में यहाँ पे आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगी, एंड सेंटर में यहाँ पे दिया गया रियर एसी वेंट्स। रियर एसी वेंट्स जो है कैबिन की कूलिंग की एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है एंड विद इन सेकेंड्स ओवरऑल जो कैबिन है वो कूल हो जाता है। एंड एसी वेंट्स के ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया 12 वोल्ट का पावर आउटलेट,
एंड ये है ग्रैंड एटेन के स्पोर्ट्स मॉल के फ्रंट डैशबोर्ड के लुक, ब्लैक एंड बेज डुअल टोन प्रीमियम डैशबोर्ड मिलता है, काफ़ी अप मार्केट ये लुक दे रहा है। प्लस यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स में हमें कोट हुक्स मिल जाते हैं। एंड अब बात करते हैं प्राइस की, तो ग्रैंड एटेन स्पोर्ट्स मॉडल पेट्रोल में लेते हैं तो उसका प्राइस है 6,50,000, एंड डीजल में लेते हैं तो उसका प्राइस है 7,90,000। एंड ये सारे प्राइस हैं ऑन रोड दिल्ली के, प्लस प्राइस जस्टिफाइड कर रहे हैं जो ये गाड़ी फीचर्स ऑफर कर रही है। एंड अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं एंड आपको बेस्ट ऑफर्स चाहिए तो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट कर सकते हैं नीचे, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे बेस्ट ऑफर्स अवेल करने के लिए। तो ये था दोस्तों Hyundai Grand Attain स्पोर्ट्स वेरियंट का कंप्लीट डिटेल रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस। बाकी वेरियंट्स का रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।